Hello friends, welcome back to the channel. So today we are going to start with a brand new topic of torque of a rotating body and angular momentum, derivation for angular momentum. So ये दो part करने वाले हम लोग, torque of a rotating body और derivation for angular momentum. Actually मुझे थोड़ा सा background भी देना है कि torque ये आता कैसे है, torque का formula, basic formula क्या है, जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा है, but तो भी हम लोग थोड़ा सा एक रिकैप मारेंगे वहाँ पे कि टॉर्क का फॉर्मूला आएगा कहाँ से और कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले और कैसे डेरिवेशन को कैसे डिराइव करेंगे और इसका शॉर्टकट भी देखेंगे. तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम दोनों का भी शॉर्टकट देखने वाले हैं, बट दोनों का पहले बेसिक देखेंगे कि बेसिक कहाँ से आता है और रोटेटिंग पार्टिकल से रोटेटिंग बॉडी में कैसे कन्वर्ट करना है. तो ये पहले देखेंगे, सबसे पहले पार्टिकल का देखेंगे, बाद में रोटेटिंग बॉडी पे आएंगे. तो ये पार्ट हम लोगों को देखना है अभी. और एक चीज़ मैं बताऊँगा कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बाद आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो ये पार्ट भी मुझे करना था एक्चुअली, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बट मेरे को लेक्चर मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, 30 मिनट्स 35 मिनट्स के रेंज में लेक्चर करना है. तो मैं दो ही पार्ट कवर करूँगा आज के लेक्चर में, टॉर्क ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी. और नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो शायद से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल का पार्ट अगले लेक्चर में रहेगा, और उसका नेक्स्ट वाला पार्ट जो रहेगा वो अपना रहेगा रोलिंग मोशन का पार्ट रहेगा. तो रोलिंग मोशन और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो आज के लेक्चर में हम लोग जो देखने वाले हैं वो रहेगा टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम. सो टॉर्क चालू करने से पहले हम लोग थोड़ा पहले पार्टिकल पे जाते हैं. सबसे पहले पार्टिकल पे जाएंगे, पार्टिकल से बॉडी पे आएंगे. तो टॉर्क ऑफ अ पार्टिकल पहले देखेंगे कि टॉर्क ऑफ अ पार्टिकल क्या है वो देखते हैं, जो कि सिलेबस में अपने को डिस्कस नहीं किया है, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बट तो भी हम लोग देखते हैं कि क्या है. सपोज ये मेरा पॉइंट सेंटर है और एक पार्टिकल है जिसका मास एम ए, पार्टिकल है जिसका मास एम ए, और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो जहाँ पे ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है. देखो ना, मुझे एक चीज़ बताओ कि सर्कुलर मोशन पार्टिकल करता है और जो रोटेशनल मोशन करता है वो मेरा बॉडी करता है. तो पार्टिकल मिला के मेरा बॉडी बनता है. तो सबसे पहले हम लोग पार्टिकल पे जंप मारते हैं. तो पार्टिकल है, अभी देखो ये रेडियस आर है, तो यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है एफ, मेकिंग एन एंगल टीटा. या इसके दो कंपोनेंट होंगे, एफ कॉस्टा और ये एफ साइन टीटा. मुझे बताओ सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी है, कौन सी फोर्स जरूरी है, कौन सी फोर्स रहेगी जो कि उसको सर्कुलर मोशन में डालेगी, एफ कॉस्टा कि एफ साइन टीटा. एफ कॉस्टा पार्टिकल को आगे लेके जाएगी इस साइड, मुझे वो अलॉन्ग द रेडियस वाला पार्ट नहीं चाहिए, मुझे टेंजेंट टू द सर्कुलर मोशन वाला पार्ट चाहिए. तो एफ साइन टीटा जो रहेगा वो टेंजेंशियल है, तो वो क्या कर रहा है, पार्टिकल को बट ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टॉर्क अप्लाई हो रहा है. जैसे कि रोटेशन मोशन ट्रांसलेटरी मोशन में था, फोर्स अप्लाई हुआ तो बॉडी एक्सेलरेट हुआ था, वैसे टॉर्क अप्लाई होगा तो बॉडी भी एक्सेलरेट होगा, बट ये किस में था, ट्रांसलेटरी, तो ये किस में रहेगा, रोटेशनल. बट टॉर्क किस से बनता है, टॉर्क जो बनता है वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो मुझे बताओ फोर्स जो होना चाहिए वो अलॉन्ग द रेडियस नहीं होना चाहिए, वो देना चाहिए परपेंडिकुलर. तो फॉर्मूला क्या रहेगा, इन शॉर्ट टॉर्क का फॉर्मूला रहेगा एफ साइन टीटा इंटू आर, इसको लिखते हैं एफ आर साइन टीटा. मुझे बताओ फोर्स जो रहेगा वेक्टर क्वांटिटी है, रेडियस भी वेक्टर क्वांटिटी और साइन टीटा, तो साइन मल्टीपल रहेगा, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीपल बोलते हैं इसको. वो क्या रहता है, ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला रहता है ए बी साइन टीटा, वैसी एफ आर साइन टीटा को लिखूंगा मैं आर बार क्रॉस एफ बार. क्लियर है? तो टॉर्क का फॉर्मूला जो रहेगा वो आर बार क्रॉस एफ बार रहेगा, टॉर्क का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा आर बार क्रॉस एफ बार. इन जनरल अगर मैं बात करूंगा कि टॉर्क का फॉर्मूला ये होने के बाद, अगर मैं ऐसे बात करता हूँ कि देखो ये एंगल कितना है टीटा, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90, साइन 90 कितना आएगा 1. तो टॉर्क का अगर मैं फॉर्मूला करूंगा इन टर्म्स ऑफ स्केलर, तो टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा एफ इंटू आर. क्लियर है? टॉर्क का फॉर्मूला रहेगा एफ इंटू आर इन फॉर्म ऑफ स्केलर, और इसके फॉर्म में रहेगा तो एफ आर साइन टीटा रहेगा, या फिर आर बार क्रॉस एफ बार लिखेंगे हम लोग, क्योंकि टीटा जो रहेगा
हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स ले रहे हैं, हम लोग अलोंग दी फोर्स नहीं ले रहे, तो ये एंगल कितना रहेगा 90, तो एंगल 90 रहेगा तो यहाँ पे साइन 90 कितना बन जाएगा 1। तो ये एक बेसिक है थोड़ा सा कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, कैसे आता है। तो मुझे एक बताओ, चीज़ बताओ, ये हो गया, ये थोड़ा बहुत हम लोग ने जो 11th में डिस्कस किया वही वापस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी आगे का जो पार्ट रहेगा, मुझे एक चीज़ बताओ कि फोर्स क्या करता है, फोर्स मोशन को चालू करता है, बट कौन से मोशन को फोर्स चालू करता है, ट्रांसलेटरी मोशन को। अगर ये मेरा दरवाजा है, सपोज यहाँ पे एक डोर है, इसे मेरे को इसको ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये ओपन नहीं होने वाला, मेरे को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा तो ये ओपन होगा। देखो मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूँगा तो ओपन नहीं होगा, इसको परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा बट एट अ डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे फोर्स अप्लाई करो तो बॉडी रोटेट नहीं हो रही है, मतलब ये दरवाजा खुलेगा नहीं। बट अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो नहीं, तो भी नहीं घूमेगा, बट मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा परपेंडिकुलर। देखो एंगल कितना है 90, एंगल कितना बन गया 90, फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में बट डिस्टेंस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, टॉर्क। क्लियर है? तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा टॉर्क, और टॉर्क के वजह से कौन सा मोशन हुआ, रोटेशनल मोशन। तो मैंने क्या बोला, फोर्स जो होता है वो ट्रांसलेटरी मोशन को चालू करता है, वैसे ही रोटेशनल मोशन को चालू करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, टॉर्क। क्लियर है? फोर्स जो चालू होता है वो कौन से मोशन को चालू करता है, ट्रांसलेटरी मोशन को, वैसे ही टॉर्क चालू करता है कौन से मोशन को, रोटेशनल मोशन को। क्लियर है? तो हम लोग बोलेंगे फोर्स इज अ डायनामिक्स मतलब कॉज, डायनामिक्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन कौन रहेगा, फोर्स, वैसे ही टॉर्क करेगा डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। क्लियर है? तो आपको नोट लिखना है, एक नोट लिखो टॉर्क के डेरिवेशन के लिए, टॉर्क ऑफ रोटेटिंग बॉडी हेडिंग रहेगा, उसके नीचे लिखो, नोट लिखो, फोर्स इज अ डायनामिक्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड टॉर्क इज अ डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, टॉर्क इज अ डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। ओके, ध्यान दो, अभी टॉर्क के लिए में क्या करेंगे, पहले एक आर्बिट्री बॉडी, रिजिड बॉडी, ये तो हम लोगों ने पहले भी किया है, अभी ध्यान दो, यहाँ पे बॉडी का मास कितना रहेगा, कैपिटल एम, बराबर है, बॉडी का मास कितना है, कैपिटल एम। ओ जो रहेगा मेरा वो रहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन और बाद में वहाँ से, सॉरी, ओ रहेगा मेरा पॉइंट ऑफ रोटेशन और वहाँ से मेरा पास होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसका नाम रहेगा एक्स ओ एक्स डैश। क्लियर है? उसके बाद जो हम लोगों ने रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी में किया था, हम लोगों ने एन मासेस कंसिडर किए थे, तो हम लोग बोल रहे थे एम वन मास था कितने डिस्टेंस पे था, आर वन, M2 मास एट ए डिस्टेंस ऑफ R2, सिमिलरली MN मास एट ए डिस्टेंस ऑफ RN। याद रहेगा तो वहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ मेंशन की थी कि कंसिडर अ रिजिड बॉडी मेड अप ऑफ मास M, मेड अप इज ऑफ मास M, मेड अप ऑफ N नंबर ऑफ पार्टिकल्स M1, M2, .. MN, सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ R1, R2, .. RN। क्लियर? ये पार्ट हो चुका था वहाँ पे, और वहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि मैंने बोला था कि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आएगा और आगे के डेरिवेशंस में भी आएगा, तो बॉडी विल परफॉर्म रोटेशनल मोशन वाइल पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है? वहाँ पे हम लोगों ने निकला विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी, वहाँ पे लिखा था, याद रहेगा, तो विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी बट डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी। विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी के बदले अभी यहाँ पे क्या आएगा, अभी टॉर्क का बात कर रहे हैं तो टॉर्क के साथ आता है अल्फा, फोर्स का बात कर रहे हैं तो फोर्स के साथ आता है एक्सिलरेशन, वैसे टॉर्क का बात कर रहे हैं तो टॉर्क के साथ आता है अल्फा मतलब एंगुलर एक्सिलरेशन। तो एक ही फर्क रहेगा वो डेरिवेशन और ये डेरिवेशन में, हम लोग क्या बोलेंगे, विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी वहाँ पे था, यहाँ पे लिखेंगे विथ सेम एंगुलर एक्सिलरेशन। तो यहाँ पे जो रोटेशन वाले पार्ट में आएगा अल्फा। क्लियर है? विथ सेम एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा। तो फर्स्ट बॉडी लिख रहा हूं मैं, सेकेंड बॉडी, थर्ड बॉडी और एंथ बॉडी, सबका अल्फा क्या रहेगा, सेम। क्लियर है? सबका अल्फा क्या रहेगा, सेम, और इक्वल टू क्या रहेगा वो, अल्फा। अल्फा वन इक्वल टू अल्फा टू इक्वल टू अल्फा थ्री इक्वल टू अल्फा एन इक्वल टू अल्फा।
क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है? अभी मुझे बताओ, दो टाइप की फोर्सेस रहती है सर्कुलर मोशन में, एक रहती है नॉर्मल और एक रहती है टेंजेंशियल। नॉर्मल जो फोर्स होती है वो सर्कुलर मोशन का कॉज है, सर्कुलर मोशन चालू करती है, बट टेंजेंशियल फोर्स जो रहती है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करती है, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करती है। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हो चुका है अपने सर्कुलर मोशन में, तो मुझे बताओ कौन सी वाली फोर्स यहाँ पे आएगी? अल्फा आ रहा है, अल्फा क्या करता है? स्पीड को चेंज करता है, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करे कि डायरेक्शन को? हम लोग को अल्फा मतलब क्या करना है? डायरेक्शन को नहीं चेंज करना, हम लोग को क्या चेंज करना है? मैग्नीट्यूड को चेंज करना। तो मैग्नीट्यूड के लिए कौन सा फोर्स रहेगा? टेंजेंशियल। तो मुझे बताओ, अगर टेंजेंशियल फोर्स का बात करूंगा, टेंजेंशियल फोर्स का, तो FT1 लिखूंगा, या फिर सबसे पहले मुझे बताओ टेंजेंशियल फोर्स के साथ आता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT1 का फॉर्मूला क्या रहेगा? ये टेंजेंशियल का फॉर्मूला रहता है टेंजेंशियल का R × α, याद रहेगा तो, बराबर है? और नॉर्मल का होता है क्या? V² / R ओमेगा² × R। ये हो चुका है सर्कुलर मोशन में, ये दोनों भी कर दिए हम लोगों ने। तो टेंजेंशियल का फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे, रहेगा R1α AT2, रहेगा R2α AT3, रहेगा RN α और ATN रहेगा, सॉरी R3α और ATN रहेगा RN α। क्लियर है? तो मुझे बताओ वहाँ पे उस वो वाला जो डेरिवेशन था उसमें हम लोगों ने बोला था विथ सेम एंगल ऑफ वेलोसिटी बट डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी, बराबर है? यहाँ पे क्या बोलेंगे? विथ सेम एंगुलर एक्सेलरेशन बट डिफरेंट, ये कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो वही पार्ट है वहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन में सेम एंगुलर वेलोसिटी बट डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी था, यहाँ पे क्या आएगा? सेम एंगुलर एक्सेलरेशन बट डिफरेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो सबका टेंजेंशियल, क्योंकि देखो रेडियस चेंज हो रहा है, सबका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज होगा। अभी मुझे बता फोर्स का फॉर्मूला जो है, फोर्स वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, बराबर है? तो एफ टेंजेंशियल पहले मास का क्या रहेगा? Mass 1 × tangential acceleration of body 1। फॉर्मूला क्या? M1 AT1 का फॉर्मूला क्या है? R1 × α। वैसे ही एफ T2 का फॉर्मूला क्या रहेगा? M2 AT2। फॉर्मूला M2 R2 × α। एफ T3 का फॉर्मूला M3 AT3। फॉर्मूला M3 R3 × α। वैसे FTN का फॉर्मूला MN AT N MN RN × α। क्लियर है? ये हो गया टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलग, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलग, तो फोर्स भी अलग। मुझे बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला R × F, एफ इंटू आर ही होता है ना, एफ इंटू आर। तो अभी हम लोग फिलहाल के लिए मैग्नीट्यूड का बात करें, डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे। तो टॉर्क का फॉर्मूला रहेगा R × F। ये मुझे बताओ एफ का फॉर्मूला M1 R1 α, ये tau 1 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? R1, और यहाँ पे FT1, पार्टिकल 1 का बात करें तो ये भी पार्टिकल 1 का रहेगा। तो फॉर्मूला बनेगा R1 × FT1 क्या है? M1 R1 α। सॉल्व करूँगा तो M1 R1² α। tau 2 का फॉर्मूला क्या है बोलो? R2 FT2, बराबर है? तो आएगा R2 M2 R2 α, तो आएगा M2 R2² α। वैसे tau 3 का फॉर्मूला क्या है? R3 FT3, FT3 कितना है? M3 R3 α, तो ये बनेगा M3 R3² α। सिमिलरली अगर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ tau n का फॉर्मूला, तो क्या बनेगा? MN RN² α। क्लियर है? बीच में का नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा हूँ। सबको क्लियर है वाला पार्ट? मुझे बताओ tau ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी क्या रहेगा? वहाँ पे लिखा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। तो यहाँ पे tau ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी क्या रहेगा? tau ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी क्या रहेगा? इक्वल टू tau ऑफ ईच पार्टिकल, tau 1 + tau 2 + tau n तक। ए मेरे को बताओ tau n की वैल्यू क्या है? M1 R1² α + M2 R2² α, प्लस एक कहाँ तक जाएगा ये? tau n तक, MN RN² α। इसमें से कॉन्स्टेंट क्या आएगा? अल्फ़ा,
अंदर क्या बचेगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस MN प्लस MN RN स्क्वायर इंटू अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक होने के बाद मुझे बताओ कि ये वाला जो पार्ट रहने वाला है, टाउ ऑफ रोटेटिंग बॉडी इक्वल टू ये वाला जो पार्ट है, इसको लिखूंगा समेशन ऑफ आई वन से लेके एन तक एम आई आर आई स्क्वायर। ये देखो सेम चीज़ ऐड हो रहा है जो पहले पार्ट में किया था, वाला पार्ट हो गया इंटू अल्फा। ये वाला पार्ट क्या होता है, आई, तो क्या आएगा, आई इंटू अल्फा। तो टाउ ऑफ रोटेटिंग बॉडी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। टाउ ऑफ रोटेटिंग बॉडी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। क्लियर है मैंने क्या किया है? वापस मैं एक बार रिपीट करता हूँ, पूरा एज इट इज़ रिपीट करूँगा। मैंने एक चीज़ मेरे को बताओ कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स जो होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, बराबर है। तो मास के बदले आ गया, ए के बदले अल्फा हो। ये मैं स्टार्टिंग के लेक्चर में डिफाइन किया था कि कैसे चीज़ें चेंज होने वाली है। तो ये डेरिवेशन हम लोग देखने वाले, तो डेरिवेशन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कैसे। तो मुझे बताओ सबसे पहले क्या बोलेंगे हम लोग, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स M1, M2, MN सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ R1, R2, RN, बराबर है। बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशन मोशन, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ सेम एंगुलर एक्सेलरेशन बट डिफरेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला R1 अल्फा, R2 अल्फा, R3 अल्फा, RN अल्फा। उसके बाद फोर्स जो एक्सेलरेट करेगी बॉडी वो नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल फोर्स नहीं रहेगी, वो रहेगी कौन सी फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स लिख दिया, बराबर है। M1 81, 81 की जगह पे R1 अल्फा लिखा, देखो यहाँ पे 82 की जगह पे R2 अल्फा लिखा, 81 की जगह 83 की जगह पे R3 अल्फा लिखा। सिमिलरली वैसे 81 की जगह पे RN अल्फा लिखा। फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन एज इट इज पुट किया। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर इंटू एफ, एफ टी का वैल्यू, एफ टी वन का वैल्यू यहाँ पे पुट किया। देखो यहाँ पे R1 अंदर गया तो M1 R1 स्क्वायर अल्फा, M2 R2 स्क्वायर अल्फा, वैसे MN RN, M3 R3 स्क्वायर अल्फा, MN RN स्क्वायर अल्फा। क्लियर है? टाउ ऑफ रोटेटिंग बॉडी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टॉर्क ऑफ ईच पार्टिकल, पार्टिकल्स के टॉर्क को ऐड किया तो मेरे को टॉर्क ऑफ रोटेटिंग बॉडी मिलेगा। टॉर्क ऑफ रोटेटिंग बॉडी को इसके लिए ये ऐड किया, इसमें से अल्फा बाहर निकाला, देखो अल्फा बाहर निकाला, बाद में ये ब्रैकेट में लिखा, चीज़ रिपीट हो रहा है, तो उसको लिखूंगा समेशन ऑफ आई वन से लेके एन तक एम आई आर आई स्क्वायर, और ये जो वाला पार्ट रहेगा वो क्या बन जाएगा, आई, तो आई इंटू अल्फा। तो टॉर्क ऑफ रोटेटिंग बॉडी का फॉर्मूला क्या रहेगा, आई इंटू अल्फा। क्लियर है? तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, उनमें स्टार्टिंग में डायग्राम कॉपी करने के बाद है ना, आपको लेक्चर नंबर 13, जो लेक्चर नंबर 13 वाला पार्ट है उसमें 17.07 से लेके 19.15 तक आपको एज इट इज़ कॉपी करना है। 17.07 मिनट से लेके 19.15 मिनट तक लेक्चर नंबर 13 के वीडियो में आप जा सकते हो, लेक्चर नंबर 13 के वीडियो में एज इट इज़ आपको कॉपी करना है। वहाँ पे क्या बोला है, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ R1, R2, RN, लेट M1 बी लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ R1, वही लिखा है मैंने, सिर्फ इतना ही लिखना है। बॉडी इज़ परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन वाइल पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ सेम एंगुलर एक्सेलरेशन बट डिफरेंट टेंजेंशियल। वहाँ पे लिखा था सेम एंगुलर वेलोसिटी बट डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी लिखा था, बस इतना ही फर्क था, बाकी कुछ नहीं। बाकी एज इट इज़ आपको यहाँ तक कॉपी करना है, यहाँ तक एज इट इज़ कॉपी करना है। क्लियर है? उसके बाद क्या लिखना है, लिखो उसके बाद, आई होप आपने कॉपी किया रहेगा, पॉज करके आपको कॉपी करना है, आई होप आपने कॉपी किया रहेगा। आगे का पार्ट लिखते हैं, लिखो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, देयरफॉर टेंजेंशियल फोर्स इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट लाइन पे पार्टिकल वन, सेकेंड, थर्ड और nth पार्टिकल का एज इट इज लिखो आप, नेक्स्ट लाइन पे लिखना है पार्टिकल वन, सेकेंड, थर्ड और nth पार्टिकल का, हो गया। आगे लिखो टॉर्क इक्वल टू आर इंटू एफ, टॉर्क इक्वल टू आर इंटू एफ, एफ की वैल्यू पुट की एज इट इज, तो टॉर्क की वैल्यू है R1 इंटू M1 इंटू R1 इंटू अल्फा, एज इट इज आपको कॉपी करना है ये पूरा। सिर्फ यहाँ पे टाउ एन के जगह पे इधर भी लिखना है RN FTN, यहाँ पे क्या आएगा R3 की जगह पे RN ब्रैकेट में MN RN अल्फा, और बाद में ये लिखो डायरेक्टली, ये मत करो, पहले ये वाला पार्ट लिखो, यहाँ पे भी सिर्फ 3 के बदले क्या आएगा N लिखा ये वाला पार्ट। लिखो टॉर्क ऑफ रोटेटिंग बॉडी इक्वल टू, टॉर्क ऑफ रोटेटिंग बॉडी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टॉर्क ऑफ
सम ऑफ टॉर्क ऑफ ईच पार्टिकल, सम ऑफ टॉर्क ऑफ ईच पार्टिकल, सम ऑफ टॉर्क ऑफ ईच पार्टिकल, और बाद में एज इट इज ये कॉपी करो, एज इट इज आपको कॉपी करना है, एज इट इज पूरा लाइन क्लियर है। मैंने क्या किया है आप पे, अभी सुनो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट, शॉर्टकट इसका शॉर्टकट है, याद रखो AFT आफत, AFT आफत, आ मतलब क्या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एफ मतलब क्या फोर्स, और टी मतलब क्या टॉर्क, सबको ऐड करना है, टॉर्क को ऐड करना है। वहाँ पे लिखा था वी की, बराबर है, विकी में क्या किया था, पहले वेलोसिटी निकाला था, बाद में काइनेटिक एनर्जी निकाला था, सॉरी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी बाद में ऐड किया था, बराबर है। यहाँ पे क्या किया, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, फोर्स, टॉर्क और बाद में ऐड, क्लियर है, पक्का शॉर्टकट आफत, उधर का शॉर्टकट विकी, क्लियर है। तो ये पार्ट खत्म होता है अपना, कौन सा वाला पार्ट, टॉर्क ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी वाला पार्ट खत्म कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अभी नेक्स्ट जो वाला, नेक्स्ट वाला पार्ट रहेगा टॉर्क, वो वाला पार्ट रहेगा जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, सेम चीज रहेगा, सेम चीज हम लोग रिपीट करने वाले, सेम चीज रिपीट करेंगे, बट यहाँ पे छोटा सा एक ट्विस्ट रहेगा कि जो हम लोग मोमेंटम रहने वाले, मोमेंटम जैसे हम लोगों ने टॉर्क के केस में किया था, टॉर्क के केस में टॉर्क वॉज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स, टॉर्क के केस में हम लोगों ने फोर्स को लिया था, वैसे हम लोग यहाँ पे मोमेंटम के मतलब एंगुलर मोमेंटम के साथ में हम लोग लेने वाले हैं कौन सा, लीनियर मोमेंटम। देखो टॉर्क का फॉर्मूला था आर इंटू एफ, तो हम लोगों ने किसको स्टडी किया पहले, एफ को। मुझे बताओ और एक चीज़, अगर मैं ओमेगा का, वी का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, तो वी का फॉर्मूला क्या था, आर इंटू ओमेगा, बराबर है, क्लियर है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आर इंटू एफ है, बराबर है। अभी मुझे बताओ लीनियर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम का एल का फॉर्मूला, फॉर्मूला रहेगा पी आर इंटू पी, कैसे, जो काम यहाँ पे फोर्स कर रहा था वो यहाँ पे, अगर ये किसका बात है, ये डायनेमिक्स का बात कर रहा हूँ मैं, और ये बात कर रहा हूँ मैं मोमेंटम का। देखो डायनेमिक्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस वेक्टर गिव्स डायनेमिक्स ऑफ रोटेशन मोशन, वैसे ही लीनियर मोमेंटम ऑफ, मोमेंटम ऑफ लीनियर मोशन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस वेक्टर गिव्स व्हाट, मोमेंट ऑफ एंगुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ को रेडियस वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग किस में जंप मारेंगे, हम लोग जंप मारेंगे कौन से, रोटेशनल मोशन में। तो देखो लीनियर मोशन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस वेक्टर गिव्स रोटेशनल मोशन, एफ मतलब लीनियर मोशन में होता है, टॉर्क मतलब रोटेशनल मोशन में, वैसे ये कौन सा मोमेंटम है, ये लीनियर मोमेंटम है, ये कौन सा मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है। तो लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय रेडियस वेक्टर गिव्स एंगुलर मोमेंटम, क्लियर है यहाँ पे। तो जैसे हम लोगों ने वहाँ पे स्टडी किया कि फोर्स कौन सा था, अलोंग नहीं था, नॉर्मल था, वैसे यहाँ पे सेम चीज़ रहेगा। मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं ये पी ए, पी मतलब क्या है, मोमेंटम, ये पॉइंट सी ए, रेडियस वेक्टर आर ए, तो एंगल कितना रहेगा टीटा, ये बनेगा पी कॉस थीटा और ये बनेगा पी साइन थीटा। ये मुझे बताओ पी कॉस थीटा पी साइन थीटा कौन सा वाला मोमेंटम दे रहा है उसको, पार्टिकल मुझे बताओ, ये पार्टिकल फिक्स्ड है तो पी कॉस थीटा का कुछ यूज़ है क्या, नहीं, जो भी करेगा वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन में कर रहा है तो ये पी साइन थीटा यूज़ होने वाला है, तो पी साइन थीटा यूज़ होगा, तो जैसे हम लोग को एफ साइन थीटा यूज़ किया था वैसे ही यहाँ पे कौन यूज़ करेगा, पी साइन थीटा। अभी मुझे बताओ कि जो हम लोग ने रोटेटिंग बॉडी में रिजिड पहले टॉर्क में या फिर काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन में जो रिजिड बॉडी ली थी हम लोग ने, वैसे हम लोग रिजिड बॉडी लेंगे यहाँ पे, बराबर है। रिजिड बॉडी का मास कितना रहेगा, कैपिटल एम, पॉइंट क्या रहेगा, ओ और एक्स, ओ एक्स डैश मेरा एक्स ऑफ रोटेशन देगा, मास रहेगा एम वन, सिचुएटेड है डिस्टेंस ऑफ व्हाट, आर वन, वैसे ही एम टू मास सिचुएटेड डिस्टेंस ऑफ आर टू, वैसे ही एम एन मास सिचुएटेड डिस्टेंस ऑफ आर एन। बॉडी विल परफॉर्मिंग रोटेशन मोशन, पार्टिकल विल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद सेम एंगुलर वेलोसिटी बट डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी। अभी हम लोग लीनियर वेलोसिटी का बात करेंगे क्योंकि पी के फॉर्मूले में होता है एम इंटू वी,
वी जहाँ पे आएगा वहाँ पे लीनियर वेलोसिटी का बात करेंगे। तो ये वाला पार्ट जो रहने वाला है, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट जो आप लिखने वाले हैं, एज इट इज सेम पार्ट रहेगा। कहाँ पे हम लोगों ने ये स्टडी किया है? काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन में, लेक्चर नंबर 13, वीडियो लेक्चर नंबर 13। और जो टाइम फ्रेम जो देखने वाले वो 17.07 से लेके 19.15 तक, ये आपको 19.13 या 15 तक, कुछ शायद से 15 तक रहेगा, वो एज इट इज आपको कॉपी करना है। तो क्या बोलूँगा मैं, अ रिजिड बॉडी ऑफ मास एम मेड ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स m1 m2 mn सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ r1 r2 rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन xo x' इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इफ द बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन देन द पार्टिकल विल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी बट डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी। तो यहाँ पे मेरे को बताओ, ये फर्स्ट, सेकेंड, थोड़ा स्पेस रख देता हूँ, सेकेंड, थर्ड और यहाँ पे रहेगा एंथ। मुझे तो फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी क्या रहेगा, ओमेगा 1, यहाँ पे रहेगा ओमेगा 2, यहाँ पे रहेगा ओमेगा 3, यहाँ पे रहेगा ओमेगा n, और सबका ओमेगा क्या रहेगा, सेम। उसके बाद लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला पी होता है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला पी होता है, और पी में होता है एम इंटू वी। तो मुझे बताओ वी का फॉर्मूला क्या रहेगा, वी वन का फॉर्मूला रहेगा आर वन ओमेगा, वी टू का फॉर्मूला रहेगा आर टू ओमेगा, वी एन का, वी ए थ्री का फॉर्मूला रहेगा आर थ्री ओमेगा, वैसे वी एन का फॉर्मूला रहेगा आर एन ओमेगा। ए पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी मास इंटू वेलोसिटी, बट पी वन का फॉर्मूला एम वन इंटू वी वन, वी वन का वैल्यू मेरे को ऊपर पता है, तो क्या आएगा एम वन आर वन ओमेगा, वैसे पी टू का सिमिलरली एम टू आर टू ओमेगा, पी थ्री का एम थ्री आर थ्री ओमेगा, पी एन का एम एन आर एन ओमेगा। क्लियर है तक, एम वन आर वन ओमेगा, एम टू आर टू ओमेगा, एम थ्री आर थ्री ओमेगा, एम एन आर एन ओमेगा। अभी मुझे बताओ एल का जो फॉर्मूला था, एल का फॉर्मूला वो था आर इन टू पी, थोड़ी देर पहले अभी मैंने बोला था टॉर्क का फॉर्मूला था आर इन टू एफ, वैसे एल का फॉर्मूला आर इन टू पी। तो मुझे बताओ पी का फॉर्मूला क्या है, एम वन आर वन ओमेगा, तो एल वन का फॉर्मूला एल वन इक्वल्स टू आर वन इन टू पी वन, तो आर वन एज इट इज पी वन का एम वन आर वन ओमेगा क्या आएगा, एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा। सिमिलरली एल टू का फॉर्मूला आर टू इन टू पी टू, आर टू इंटू एम टू आर टू ओमेगा, यह आएगा एम टू आर टू इंटू आर टू आर टू स्क्वायर ओमेगा। वैसी एल थ्री का फॉर्मूला आर थ्री इंटू पी थ्री, यह आएगा आर थ्री एम थ्री आर थ्री ओमेगा, यह आएगा एम थ्री आर थ्री का स्क्वायर ओमेगा। यहाँ पे पी एन का फॉर्मूला एम सॉरी पी एन नहीं एल एन, एल एन का फॉर्मूला आर एन इंटू पी एन, यहाँ पे आएगा आर एन एम एन आर एन ओमेगा, यह आएगा एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा। क्लियर है, बाकी कुछ नहीं किया, पी के जगह पे ये पी वन के जगह पे ये पुट किया, पी टू के जगह पे आप पुट किया, पी थ्री के जगह पे और पी एन के जगह पे। क्लियर है, अभी टॉर्क ऑफ रोटेटिंग बॉडी था समेशन ऑफ टॉर्क ऑफ ईच पार्टिकल, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस डॉट 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 एल एन, बराबर है। एल वन की वैल्यू कितनी है, एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा, एम टू की वैल्यू, एल टू की वैल्यू एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा, वैसी एम एन की वैल्यू एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा। ये मेरे को बताओ इसमें से कॉमन क्या आएगा, ओमेगा, बराबर है। अंदर क्या बचेगा, एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर एम एन आर एन स्क्वायर। मुझे एक चीज़ पता है, रिपीट होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको, समेशन ऑफ आई वन से लेके एन तक। ये हम लोगों ने टॉर्क में भी किया और रोटेटिंग बॉडी में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी में भी किया। तो फॉर्मूला बनेगा एम आई आर आई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इन टू ओमेगा। ये मुझे पता है, ये वाला पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आई, मतलब जो मैं लिखता हूँ यहाँ पे आई का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ आई वन से लेके एन तक एम आई आर आई स्क्वायर। तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या आएगा, आई। तो फॉर्मूला बनेगा एल ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। क्लियर है, मुझे एक चीज़ बताओ कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम का, पी इक्वल्स टू एम इंटू वी, जो काम मास कर रहा था वो यहाँ पे कौन करेगा, आई।
जो काम वी कर रहा था वो यहाँ पे कौन करेगा, ओमेगा। क्लियर यहाँ पे मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ कि जो चीज़ हम लोग रोटेशन मोशन का ट्रांसलेटरी मोशन में कर रहे थे वही सेम हम लोग रोटेशन मोशन में करेंगे, सिर्फ क्वांटिटीज चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं मिलना, सिर्फ क्वांटिटी चेंज होगा। तो वापस एक बार रिपीट करता हूँ क्या कर रहे हैं हम लोग। इसमें पहले रोटेटिंग बॉडी है, उसका मास कैपिटल है, मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एम वन एम टू एम एन सिचुएटेड डिस्टेंस ऑफ आर वन आर टू आर एन, लेट एक्स एक् ओ एक्स डैश बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मुझे एक चीज़ बताओ, सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम है बट लीनियर वेलोसिटी अलग है, क्योंकि रेडियस अलग है तो लीनियर वेलोसिटी सबका अलग है। तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, लीनियर मोमेंटम का एम इन टू वी और एंगुलर मोमेंटम का एल इक्वल्स टू आर इन टू पी, एल इक्वल टू आर इन टू पी और पी का फॉर्मूला एम इन टू वी। वी के जगह पे एज इट इज ऊपर का फॉर्मूला सब्सिट्यूट किया, वी टू के जगह पे सब्सिट्यूट किया ये वाला पार्ट, वी थ्री की जगह पे ये वाला पार्ट किया और एज इट इज पी वन पी टू पी थ्री और पी एन का फॉर्मूला, पी एन का वैल्यूज निकाली। एल वन की वैल्यू जो है वो फॉर्मूला है जो है आर वन इन टू पी वन है, पी वन की जगह पे ये पुट किया एज इट इज, आर वन को अंदर लेके तो फॉर्मूला एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा, वैसे ही एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा, एम थ्री आर थ्री स्क्वायर ओमेगा, एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा। क्या किया बाद में हम लोगों ने, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल, सबके पार्टिकल्स को ऐड किया, ओमेगा को बाहर निकाला, बीच में का जो पार्ट था उसको लिखा समेशन ऑफ आई को शू वन से लेके एन तक एम आई आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा, और वो वाला पार्ट आई लिख दिया, आई आ गया आई इंटू ओमेगा। समझ में आ रहा है शॉर्टकट कैसे याद रखना है, सबसे पहले वेलोसिटी निकाला बराबर है, बाद में निकाला लीनियर मोमेंटम, बाद में निकाला एंगुलर मोमेंटम एल, इसका शॉर्टकट याद रखना है विपुल। तो सबसे पहला वाला जो शॉर्टकट था वो था वी की काइनेटिक एनर्जी के लिए, उसके बाद था आफत जो कि था टॉर्क के लिए, और उसके बाद था विपुल किसके लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो शॉर्टकट याद रखो, शॉर्टकट आप याद रखोगे तो बराबर से याद रहेगा, ऐसे कुछ आजकल शॉर्टकट का कुछ यूज़ नहीं, बट तो भी अगर ऐसे याद रखोगे तो बराबर से फिट रहेगा कि नहीं यार क्या करना है क्या नहीं करना है। तो समझ में आ रहा है कि सबसे पहले वेलोसिटी निकाली, बाद में निकाला लीनियर मोमेंटम, बाद में निकाला एंगुलर मोमेंटम, उसके पहले निकाला था टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स और टॉर्क, उसके पहले निकाला था वेलोसिटी, बाद में काइनेटिक एनर्जी, दोनों को ऐड। क्लियर है? तो स्टार्टिंग का जो पार्ट रहेगा लेक्चर नंबर 13 का जो 17.0 से लेकर 19.15 तक का एज इट इज आपको कॉपी करना है, यहाँ तक उसके बाद लिखना है, उसके बाद आप पॉज करके कॉपी कर सकते हो, उसके बाद ये वाला पार्ट लिखना है, लिखो लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय पी वन इक्वल्स टू एम वन इंटू वी वन, P1 equals to M1 V1, therefore P1 equals to M1 V1, therefore P1 equals to M1 V1 equals to M1 R1 omega. Similarly, P2 equals to M2 R2 omega, comma P3 equals to M3 R3 omega, and PN equals to MN RN omega. हो गया, उसके बाद लिखो एंगुलर मोमेंटम L is given by, angular momentum L is given by L equals to R into P, L equals to R into P, therefore L1 equals to R1 into P1, therefore R1 लिखा, P1 का formula M1 R1 omega, formula ये अंदर जाएगा तो बनेगा M1 R1 square omega. क्लियर है? सिमिलरली ये पूरा एसिड कॉपी करना है, आगे लिखो, कॉपी करने के बाद आगे लिखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल, सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल, और एज इट इज ये पूरा एज इट इज एंड तक कॉपी करना है, शॉर्टकट लिख दो कॉर्नर में। जाते जाते एक पॉइंट में क्लियर करना चाहता हूँ और एक चीज़ कि सपोज़ हम लोगों ने फोर्स में जैसे किया था, स्टडी किया था कि फोर्स का कुछ ऐसा ये था फॉर्मूला था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे टॉर्क और इसका फॉर्मूला, तो वैसे ही पी का फॉर्मूला देखते हैं, ये बनेगा, मैं मोमेंटम के केस में डिस्कस किया था बट तो भी एक बार वापस एक बार बताता हूँ, ये बनता है पी कॉस का और यहाँ पे बनता है पी साइन का, आगे के पार्ट में यूज़ होने वाला इसलिए बता रहा हूँ मैं, ये रेडियस आर है। तो मुझे बताओ एल का फॉर्मूला क्या रहेगा, एल का फॉर्मूला था बताओ कौन सा, पी कॉस्टा यूज़ होगा कि पी साइन थीटा यूज़ करेगा। देखो मेरे को बताओ यहाँ पे अगर मैं मोमेंटम अप्लाई कर रहा हूँ तो बॉडी कुछ नहीं करेगा क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होना चाहिए, मतलब आर डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो मुझे बताओ आर इंटू पी इंटू साइन थीटा, ये पी वाला जो है वेक्टर है कि स्केलर है, वेक्टर है, ये मोमेंटम है ना लीनियर मोमेंटम, वैसे ही रेडियस वेक्टर जो है वो भी वेक्टर है और उसका साइन थीटा वाला पार्ट है, तो लिखेंगे वैसे एल बार इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार,
ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में जो एंगुलर मोमेंटम का जो डेरिवेशन देगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसमें ये यूज होने वाला है। तो ये एक छोटा सा एक नोट की तरह कॉपी कर लो ये वाला पार्ट, कि पी साइन थीटा वाला पार्ट यूज होने वाला है, ना कि पी कॉस्टा। और डिस्टेंस कितना होना चाहिए, आर। तो आर पी साइन थीटा, आर बार क्रॉस पी बार। क्लियर है यहाँ तक? तो ये वाला पार्ट एज अ नोट लिखो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर का अपना एम रहेगा वो रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे जो पीछे के 21st न्यूमेरिकल या 22nd न्यूमेरिकल में, जो पता नहीं है, 21st न्यूमेरिकल देगा शायद से। तो वो दो पार्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे इतना ही रखते हैं कि हम लोगों ने डिस्कस किया टॉर्क का डेरिवेशन और कौन सा एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन, दोनों का शॉर्टकट दिया है। काइनेटिक एनर्जी का जैसे ही शॉर्टकट था वैसे ही टॉर्क का शॉर्टकट है, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम का भी शॉर्टकट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड अ न्यूमेरिकल। तो यहाँ तक अगर वीडियो को देखा रहेगा और वीडियो पसंद आई रहेगी तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल